क्लास सुप्रभातम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका संस्कृत पीरियड है और अभी आप लोग संस्कृत पढ़ेंगे इस पीरियड में। और बच्चों, संस्कृत में आज आप लोग पाठ 18 पढ़ेंगे। पाठ 18 का शीर्षक है उद्यान विहार। उद्यान विहार, उद्यान मतलब होता है बगीचा, विहार मतलब बगीचे में आनंद लेना, घूमना, ठीक है। तो आज आप लोग पढ़ेंगे उद्यान विहार। इससे पहले आप लोग पाठ 17 में पढ़े थे अस्माकम विद्यालय, ठीक है, जो कि वो चैप्टर आपका पंचमी और षष्ठी विभक्ति पे आधारित था। और ये जो आपका चैप्टर है पाठ 18 जो है वो सप्तमी विभक्ति पे आधारित है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति लोकेटिव केस। उद्यान विहार यानी कि बगीचे में घूमना, बगीचे में आनंद लेना। तो बच्चों, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है मे पर, ठीक है, मे और पर। यानी कि आप लोग को मैं बालक का रूप याद करवाई थी, बालिके बालकयो बालकेषु, बालके बालकयो बालकेषु, ठीक है। तो इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों पर विचार करेंगे, इसके अर्थों को जानेंगे। शिवालय यानी शिव मंदिर, स्तंभा अनेक खंभे, खंभे जो होते हैं उसको स्तंभा कहते हैं, अनेक खंभे, मनोरमम मतलब सुंदर, नीडम यानी घोंसला, नीडम यानी घोंसले को, ठीक है, नेस्ट जिसे कहते हैं, अवलोकयंती, अवलोकयंती यानी देखते हैं, कूजनम, कूजनम यानी कूकना, आकर्णयंती, आकर्णयंती यानी सुनते हैं, पकवानी यानी पके हुए, मीनम यानी मछलियां, इतस्ततः यानी इधर उधर। ये है आपका कठिन शब्दार्थ। आप लोग इस को याद करेंगे, इसके अर्थों को जानेंगे। और आप लोग को इस पाठ में और जो भी कठिन शब्द लगता है अगर, तो आप लोग उसे अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं उद्यान विहार। एतत किम यानी कि यह क्या है? एतत मनोरमम उद्यानम अस्ति, यह सुंदर बगीचा है। अस्मिन उद्याने के विचरन्ति यानी कि इस बगीचे में कौन कौन विचरते हैं, यानी कौन कौन रहते हैं, विचरते हैं यानी कौन कौन रहते हैं। अस्मिन उद्याने यानी अस्मिन उद्याने माने इस बगीचे में, वानर मयूर मृग काक इत्यादि विचरती यानी कि इस बगीचे में बंदर मोर हिरण कौवा इत्यादि रहते हैं। अत्र एव बालका वृद्धा महिला च भ्रमन्ती, यहाँ पर, अत्र एव मतलब यहाँ पर अनेक बालक वृद्ध और महिलाएं भी घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कौन कौन घूमते हैं? बालक, लड़के, वृद्ध, बूढ़े लोग, महिला भी घूमते हैं। एक शिशु वानरम पश्यति, एक शिशु वानरम पश्यति यानी कि एक बच्चा बंदर को देखता है। दो बालको मृगम पश्यत, दो बालको मृगम पश्यत यानी कि दो बच्चे हिरण को देखते हैं। त्रयः वृद्धा वृक्षे कोकिलस्य नीडम अवलोकयन्ति, तीन बूढ़े वृक्ष पर कोयल के घोंसले को देखते हैं। त्रयः वृद्धा वृक्षे यानी कि बूढ़े वृक्ष पर यानी पुराना वृक्ष पर, बूढ़े वृक्ष मतलब पुराना जो वृक्ष हो जाता है उसे कहा गया यहाँ। तीन बूढ़े वृक्ष पर कोयल के घोंसले को देखते हैं।
चत्वारह यानी चार, चत्वारह मयूरह के काम कुर्वंती, चार मोर कूकते हैं, के काम मतलब कूकते हैं, चत्वारह मयूरह के काम कुर्वंती, चार मोर कूकते हैं, चतस्य महिला पिकस्य कुजनम आकर्णयन्ती, यानी चार महिलाएं कोयल की आवाज को सुनती हैं, चार महिलाएं कोयल की आवाज को सुनती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे नीचे, वृक्षेषु बहुनि फलानि सन्ति, वृक्ष पर बहुत से फल हैं, तीसु एकस्मिन् वृक्षे चत्वारि फलानि पकवानि सन्ति, तेसु यानी उनमें से एकस्मिन् यानी एक, तेसु एकस्मिन् वृक्षे चत्वारि फलानि पकवानि सन्ति, उनमें से एक वृक्ष पर चार फल पके हैं, उनमें से एक वृक्ष पर चार फल पके हैं, काकः एकं पक्वं फलं खादति, कौवा एक पके फल को खाता है, ठीक है, एका बालिका उद्यानात पुष्पानि नयति, एका बालिका उद्यानात पुष्पानि नयति यानी एक बालिका बगीचे से फूल को लेती है, तत्रैव द्वे बालिके फले खादतः, वहीं दो बालिकाएं फल खाती हैं, तत्रैव द्वे बालिके फले खादतः, वहीं दो बालिकाएं फल खाती हैं। नीचे हम लोग देखेंगे, उद्याने एकः जलपूर्णः जलाशयः अपि अस्ति, बगीचे में एक जल से भरा तालाब भी है, बगीचे में एक जल से भरा तालाब भी है, अत्र त्रीणि कमलानि तिस्त्रः कुमुदिन्या च विकसितानि सन्ति, यहाँ तीन कमल और तीन कुमुदिनिया खिली हैं, तीन कमल और तीन कुमुदिनिया का फूल यहाँ खिला हुआ है, तत्र मतलब वहाँ चत्वारः मृगाः जलं पिबन्ति, वहाँ चार हिरण जल पीते हैं, पंच मीना जलस्य उपरि तरन्ति, पांच मछलियां जल के ऊपर तैरती हैं, ठीक है, षट कच्छपा जले इतस्ततः भ्रमन्ति, छह कछुए जल में इधर उधर घूमते हैं, सरोवरस्य तटे सप्त शिशवः खेलन्ति, सरोवर के तट पर यानी सरोवर यानी तालाब के किनारे, तट पर यानी किनारे पर, तालाब के किनारे पर सात बच्चे खेलते हैं, सरोवरस्य तटे सप्त शिशवः खेलन्ति, तालाब के किनारे सात बच्चे खेलते हैं, अष्टौ जनाः धावन्ति आठ लोग दौड़ते हैं, नौ वानरा तत्र एव कूदन्ति नौ बंदर वही कूदते हैं, ठीक है, इस पाठ में संख्या का भी बोध कराया गया है, काउंटिंग का भी प्रयोग किया गया है, एक दो तीन सब बताया जा रहा है नंबर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जलाशयस्य समीपे एक शिवालय अस्ति, जलाशय के नजदीक, समीपे मतलब नजदीक निकट, एक शिवालय अस्ति एक शिव मंदिर है, यानी जलाशय के नजदीक एक शिव मंदिर है, शिवालय द्वादश स्तंभा सन्ति, शिव मंदिर में बारह खंभे हैं, बारह स्तंभ हैं, ठीक है, शिव मंदिर में कितने खंभे हैं लगे हुए हैं, तो द्वादश, द्वादश यानी बारह, अत्र भित्तिकायां षोडश देव प्रतिमा च निर्मिता सन्ति, यहाँ दीवार पर सोलह देवों की प्रतिमाएं बनी हैं, ठीक है, भित्तिकाया मतलब दीवार पे षोडश यानी सोलह देव प्रतिमा च निर्माता सन्ति, ठीक है, यहाँ दीवार पर सोलह देवों की प्रतिमाएं बनी हैं,
छत्र भित्तिकायां शिवालय अति सुंदरम अस्ति। शिवालय अति सुंदरम अस्ति यानी जो शिव मंदिर है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, शिवालय अति सुंदर मतलब होता है बहुत सुंदर। अति सुंदरम अस्ति यानी कि शिव मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग पाठ 18 उद्यान विवारा सप्तमी विभक्ति आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इसके अर्थ को जानेंगे, इसका रीडिंग देंगे आप लोग। इसमें जो भी डिफिकल्ट है उसका जो उच्चारण आपका जो कठिन लगता है उसको आप लोग कहना सीखेंगे और इसके कठिन शब्दार्थों को भी आप लोग याद करेंगे। इस तरह से बच्चों अभी आपका पाठ 18 यहाँ समाप्त होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका क्लास ओवर हुआ, बाय।